हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवानी भरत। मेरे हाथों में दो डिवाइसेस हैं, दोनों के दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं। एक साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ वन प्लस का फ्लैगशिप वन प्लस 12 और दूसरा कुछ ही हफ्ते पहले लॉन्च हुआ आईफोन 16। अभी दोनों में एक क्लियर डिफरेंस है, ऑफकोर्स वन इज़ एन iOS डिवाइस और दूसरा एक एंड्रॉयड फ्लैगशिप है। फ्लैगशिप प्राइस टैग के साथ ये दोनों डिवाइसेस आते हैं। कई सारी सिमिलैरिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड मोर, बट क्या क्या डिफरेंसेस है और इन दोनों डिवाइसेस में से आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप महसूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन, तो जो वन प्लस का फ्लैगशिप है वन प्लस 12, दैट इज़ स्लाइटली बिगर इन टर्म्स ऑफ साइज़, क्योंकि एक बड़े डिस्प्ले के साथ आता है। जो आईफोन 16 है दैट इज़ स्मॉल 6.1 इंच के डिस्प्ले के साथ। इसी के साथ साथ जो कलर्स है, इनफैक्ट वन प्लस 12 में एक तो एक स्पेशल एडिशन का डिवाइस वन प्लस ने लॉन्च किया था विच इज़ द ग्लेशियल वाइट एडिशन। इसी के साथ साथ ये एक फ्लोई एमरल्ड कलर जो हमने लॉन्च के वक्त ही इनफैक्ट इसके साथ हैंड्स ऑन किया था और मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगा था ये फ्लोई एमरल्ड कलर। इसी के साथ साथ सिल्की ब्लैक कलर भी आपको मिलता है वन प्लस 12 यानी वन प्लस के फ्लैगशिप में। अभी जो आईफोन 16 है उसमें शानदार नए कलर्स इनफैक्ट लॉन्च हुए हैं। एक तो ये गुड लुकिंग, रियली गुड लुकिंग पिंक विथ अ मैट फिनिश जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। इसी के साथ साथ टील, एक्वा मरीन एंड देन ऑफकोर्स योर बोरिंग ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो पांच नए कलर्स हैं, इनफैक्ट पांच टोटल कलर्स हैं जो आपको आईफोन 16 में मिलते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, इस बार जो बेस वेरिएंट है आईफोन का उसमें भी एक्शन बटन जो है ना वो आ गया है, साथ ही कैमरा कंट्रोल बटन भी आईफोन 16 में आ गया है जो आपको प्रो वेरिएंट्स में भी मिलता है। इससे पहले केवल प्रो वेरिएंट्स में आपको एक्शन बटन मिलता था और कुछ स्पेशल बेल्स एंड विसल्स, स्पेशल फीचर्स केवल प्रो वेरिएंट में मिलते थे, वो सारे इनफैक्ट बेस वेरिएंट में भी आ गए हैं तो इस डिवाइस में भी आ गए हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर्स आपको बता दूं कि आपको आईफोन 16 में A18 चिपसेट मिलता है, एक जनरेशन फॉरवर्ड लीप ली है एज कम्पेयर टू आईफोन 15 एप्पल ने इस डिवाइस के साथ। जो वन प्लस 12 है उसे पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। अभी दोनों के दोनों डिवाइसेस हैं उनमें इनफैक्ट आपको AI capabilities को इनेबल करने वाला चिपसेट मिलता है, लेकिन AI capabilities आपको किस डिवाइस में मिलेंगी, ऑफकोर्स अगर आप आईफोन 16 परचेज करते हैं देन एप्पल इंटेलिजेंस विल कम टू योर डिवाइस। आने वाले दिनों में फुल फॉर्म फैक्टर में आएगा, अभी बेटा में आपको कुछ कुछ फीचर्स यूज़ करने का मौका मिलता है, पर कम्प्लीटली अभी इतना पूरा फुल AI capabilities, एप्पल इंटेलिजेंस की capabilities आप उसका नहीं इस्तेमाल कर सकते फिलहाल तो। पर कई सारी चीज़ें जैसे आपके मेल्स को और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से रिफाइन करना, इसी के साथ साथ बिल्कुल जो मैजिक इरेजर हम लोग ने गूगल के डिवाइसेस में देखा था वो वाला फीचर, ऑडियो मिक्स वाला फीचर जिससे बैकग्राउंड नॉइज को आप डम डाउन या फिर म्यूट या फिर काफ़ी कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप AI enabled चीज़ें आप इस डिवाइस पर कर सकते हैं। वन प्लस हालांकि द चिपसेट विच इज़ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 AI केपेबल चिपसेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा AI फीचर जो बेसिक चीज़ों के अलावा आपको इस डिवाइस पर यानी वन प्लस के फ्लैगशिप पर नहीं मिलते। इट इज़ टाइम नाउ फॉर वन प्लस टू अप इट्स गेम व्हेन इट कम्स टू AI।
Now in terms of camera capabilities, आपको OnePlus के डिवाइस में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, इसी के साथ साथ 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। इस तरह से Hasselblad ब्रांडेड ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको OnePlus 12 में मिलता है। अभी आईफोन में ऑन पेपर यू विल नॉट गेट यू नो सो मेनी कैमराज और इतने बड़े बड़े स्पेसिफिकेशन वाला कैमरा मॉड्यूल आपको नहीं मिलता। सिंपल ड्यूअल कैमरा सेटअप है, फ्यूजन कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। इस तरह से ड्यूअल कैमरा सेटअप है। बट इन टर्म्स ऑफ कैमरा कैपेबिलिटीज, अगर हम नेक टू नेक साइड बाय साइड दोनों डिवाइसेस को कंपेयर करेंगे, एज दे से द प्रूफ इज इन द पुडिंग। बेटर इमेजेस डेफिनेटली, मोर नेचुरल लुकिंग इमेजेस डेफिनेटली, बेटर वीडियो कैपेबिलिटी डेफिनेटली आपको आईफोन 16 में ही मिलती है। लो लाइट कंडीशन वाले पिक्चर्स भी बेटर आपको आईफोन 16 में ही मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो नए फोटोग्राफिक फिल्टर्स जो लॉन्च किए हैं, उससे इमेजेस और भी एनहांस होते हैं। इनफैक्ट इस डिवाइस को अगर हम आईफोन 15 प्रो मैक्स के इमेजेस के साथ भी कंपेयर करेंगे, देन दिस कैमरा इनफैक्ट ऑन द आईफोन 16 डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। Now, there are two areas where OnePlus stands out. सबसे पहले तो इसका बड़ा डिस्प्ले, डिस्प्ले इज फैब्यूलस। एक तो 6.8 इंच का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट, 1:120 हर्ट्स वाला डिस्प्ले आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसके डिस्प्ले पर मिलती है। बढ़िया, मतलब आउटडोर लाइट कंडीशन में, इंडोर लो लाइट कंडीशन में अगर आप इसके डिस्प्ले पर पढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करते वक्त एंटरटेनमेंट कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं इसके डिस्प्ले पर, आराम से बगैर किसी इशू के आप कर सकते हैं। जो आईफोन है, विच इज़ आईफोन 16, उसमें भी आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट 1:120 हर्ट्स वाला मिलता है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है दैट has been retained to 2000 nits of peak brightness that you will get on this device. Overall display experience में of course touch sensitivity वगैरह दोनों displays की शानदार है, fast है, बहुत अच्छी है, but display experience मतलब in terms of consumption, writing mails, watching content, playing games में this display of OnePlus 12 triumphs. Now, दूसरा एरिया जिसमें OnePlus 12 जो है दैट शाइन्स थ्रू, वो है बैटरी। ऑफ कोर्स बैटरी और बैटरी लाइफ OnePlus के डिवाइसेस की खासियत रही है। इस डिवाइस में इनफैक्ट OnePlus 12 को जो बैटरी पावर करती है वो है 5400 mAh की दमदार बैटरी। यही काफ़ी नहीं है, इसी के साथ साथ मतलब एक तो इसकी बैटरी विल टेक यू थ्रू द डे वेरी वेरी इजीली सिंगल चार्ज पर, बट बैटरी काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है विथ चार्जिंग ब्रिक इनसाइड द बॉक्स, जो आपके डिवाइस को 100% फ्रॉम सिंगल डिजिट टू 100% 25 से 26 मिनट में चार्ज करके देता है। सो दैट इज रियली रियली फास्ट। इसी के साथ साथ 50 वॉट का एयर वूक, मतलब वायरलेसली आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं विथ 50 वॉट एयर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, दैट इज अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस। अभी जो आईफोन है उसमें कंपनी कह रही है कि वीडियो प्लेबैक टाइम में इम्प्रूवमेंट है। एग्जैक्टली बैटरी कैपेसिटी आईफोन कभी डिस्कस नहीं करता, बट इसी के साथ साथ जो वायरलेस चार्जिंग है और वायर्ड चार्जिंग है वो सेम स्पीड पर नए आईफोन के साथ इनफैक्ट चार्ज होता है। सो दैट इज वन बैटरी रिलेटेड फीचर दैट एप्पल इनफैक्ट हैज स्पोकन अबाउट फॉर आईफोन 16।
अभी कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑफकोर्स वन प्लस 12 काफ़ी शाइन थ्रू कर रहा है, जैसे कि बैटरी हो गई, डिस्प्ले और डिस्प्ले परफॉर्मेंस हो गया, बट ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू यू नो आईफोन 16 कमिंग विथ A18 चिपसेट विथ 6 कोर न्यूरल इंजन, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको आईफोन 16 पर मिलता है। इसी के साथ साथ बिग AI प्रॉमिस विथ एप्पल इंटेलिजेंस जो आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, इन टर्म्स ऑफ कैमरा एंड कैमरा परफॉर्मेंस आपको जो बेटर आईफोन 16 पर मिलता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स में ऑफकोर्स आईफोन 16 ट्रायम्स थ्रू। अभी जो बेस वेरिएंट है वन प्लस 12 का, जो आप ख़रीद सकते हैं 64,900 रुपीज़ से, कई सारे ऑफर्स इनफैक्ट फेस्टिव सीजन के अराउंड चल रहे हैं, तो उसमें शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए कई प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन AI कैपेबिलिटीज़, AI फंक्शनैलिटीज़, जो फ्यूचर फॉरवर्ड ऑन डिवाइस AI हम डिवाइसेस से, खासकर फ्लैगशिप डिवाइसेस से एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपको वन प्लस 12 पर नहीं मिलता। अभी सेम चीज़ आपको इनफैक्ट आईफोन 16 पर मिलती है, जो बेस वेरिएंट है उसकी कीमत शुरू हुई है 79,900 रुपीज़ से।